स्टूडेंट्स, आई एम बैक। टुडे आई एम गोइंग टू नरेट वन स्मॉल स्टोरी। एक अच्छी सी स्टोरी जो आपको बहुत इफेक्ट भी करेगी और एक लाइफ चेंजिंग मैसेज भी देगी। सो स्टोरी इज ऑल अबाउट एक छोटा सा बच्चा जो गांव में रहता था। वो गांव में वो स्कूल जाता था जहां पर उसके गुरु रहा करते थे। गुरु बहुत लर्नेड थे और उन्होंने देखा है कि बच्चों को कैसे गाइड करना है। ठीक है, उस दिन एक दिन जो गुरु ने उस बच्चे को बोला कि बेटा आपको मैं एक जंगल लेके जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जंगल आप रात को क्रॉस करो और दूसरे गांव में जाओ। तो उसने बोला, गुरुजी कैसे पॉसिबल है, मैं कैसे एक बच्चा गांव इतना भरा घना जंगल जहाँ जंगली जानवर है, जहाँ पर कदम कदम पे खतरा है, कदम कदम पे गड्ढे हैं जहाँ मैं गिर सकता हूँ, मैं छोटा बच्चा कैसे क्रॉस कर सकता हूँ इस चीज को। और आपने तो बोल दिया यहाँ से राइट जाओ, यहाँ से लेफ्ट जाओ और सीधा जाओ तो आपको नया गांव मिल जाएगा। मेरे को आपने प्रोजेक्ट तो दे दिया लेकिन कैसे पॉसिबल है, मैं नहीं कर सकता। गुरु ने बोला, नहीं, घने जंगल को रात को ही आपको क्रॉस करना है, यही आपसे उम्मीद है और यही आपका सक्सेस मिलेगा, आपको आपका डर निकलेगा। गुरु ने बोला, चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ कि मैं जब आपको आपके साथ चलता हूँ, आपको मैं रोशनी दिखाऊंगा, आप उस रोशनी के हिसाब से जंगल क्रॉस करो और मैं आपको आपके साथ जाऊंगा टॉर्च लेकर। तो गुरु जी ने तो बोल दिया ऐसा, तो बच्चा बोलता है, भाई आप टॉर्च लेके जाओगे, टॉर्च की रोशनी दो कदम दूर तक पहुंचती है और आप बोलते हो दो, मतलब पूरा घना जंगल क्रॉस करो जो कि पूरी रात लग सकती है मुझे और जिसकी रोशनी दो कदम तक जाती है। तो दो कदम के बाद हो सकता कोई जंगली जानवर हो सकता गड्ढा हो और उस गड्ढे में मैं अगर गिर गया तो मैं जिंदगी भर निकल नहीं पाऊंगा, तो कैसे करेंगे हम। गुरु जी ने बोला, आपको जितना बोला जा रहा है आप उतना ही करो, राइट आप दो कदम पे जो मैं रोशनी दिखाऊंगा आप उतना चलो, आप टेंशन मत लो। ठीक है, बच्चे ने बोला ठीक है, शिष्य ने बोला ओके मैं चलता हूँ। गुरुजी ने वो टॉर्च दिखाया, वो टॉर्च दो कदम की रोशनी तक आ रही थी, बच्चा वहां तक चला। फिर वापस से दो कदम की दूरी तक टॉर्च की रोशनी आई थी, बच्चा वहां तक चला। उसने गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे सिर्फ वो बच्चा चलता गया, अगर उसको कुछ प्रॉब्लम दिख रहा था तो उसको वहीं पर वो बच गया, कोई जानवर दिख रहा था, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े दिख रहे थे, गड्ढे दिख रहे थे, उसको वो आराम से निकाल पाया। ठीक है, फाइनली जैसे सब सुबह हुआ उसने देखा कि अरे पूरी रात लग गई और मैं इतना आराम से अपने प्रॉब्लम्स को साइड में करते हुए मैं पूरी रात लगाकर ये इतना घना इतना टफ जंगल में क्रॉस कर पाया और जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्मॉल टॉर्च की लाइट से कैसे पॉसिबल हुआ। उसने अपने गुरुजी को थैंक यू बहुत आपने हेल्प किया मुझे, आप साथ थे, मेरे को हिम्मत मिली, मैं घना जंगल पास कर गया। गुरुजी ने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा टॉर्च की रोशनी आपको दिखाई और उस टॉर्च की रोशनी में आपने जज कर लिया कि यहाँ परेशानी है, गड्ढा है, जंगली जानवर है, कीड़े मकोड़े, आप उसको अलग कर पाए। उसे समझ में आया कि हाँ, मुझे वो रोशनी में मुझे मेरा कॉन्फिडेंस दिखा, वो रोशनी उतना ही दिखा रहा था जितना कि मुझे जाना था। मैं अगर आगे तक का सोचता कि ये रात को मैं घने जंगल को कैसे क्रॉस कर सकता इतना छोटा सा बच्चा, तो वो कभी भी नहीं कर पाता। हियर इज योर मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल क्या है मैम? कुछ नहीं, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपने एग्जाम क्लियर किया है जो बहुत टफ है, जहाँ पर आप जस्ट थोड़ा सा गाइडेंस में ही आपने आपको मोटिवेटेड पाए हो और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये क्लियर किया, आई रियली अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क एंड वंस अगेन वॉन्ट्स टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। आई रियली वॉन्ट यू ऑल गाइज टू थैंक योर सराउंडिंग पीपल्स। I am talking about your helpful parents, जो जिन्होंने ये pandemic में भी आपको थोड़ा सा आपने भी help किया, ऐसा नहीं बोलूँगी, लेकिन उनकी वजह से आप cross हुए। Definitely आपके सब teachers, you should always be thankful and seat belt लगा लो क्योंकि अभी again आपको take off करना है।
इट मे बी आफ्टर गेटिंग अ डिग्री ऑल्सो यू टेक ऑफ हो सकता है एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट सक्सेसफुल थैंक यू वेरी मच